गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। यस सर। टीचर हेलो टीचर। गुड आफ्टरनून सर। सर एक आंटी द स्क्रीन गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, I can't see the screen. Good afternoon, sir. Good evening, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. 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 Mam sir, pick liye hue na. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, teacher. Good afternoon, sir. Good morning, all of the students. Good afternoon, teacher. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir.
All the students requested, please type your school name in chat box so that we are now starting the lecture within 5 minutes. तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्कूल का नाम चैट बॉक्स में जरूर टाइप करें ताकि हमें अटेंडेंस मिल जाए. और इसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब चैनल पर रिक्वेस्ट है कि अपने स्कूल का नाम चैट बॉक्स में टाइप कीजिए. और कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पर शिफ्ट हो जाए ताकि मोस्टली स्टूडेंट जो है आपके स्कूल के क्लास के जो बच्चे हैं या दूसरे स्कूल के हैं वो इस लिंक के थ्रू जूम पर जुड़ जाएं. तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब चैनल पर शिफ्ट हो जाएं क्योंकि यूट्यूब पर भी अभी 500 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं. तो इसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब पर जाएं. Students kindly shift to YouTube channel because our expert will be joined. क्योंकि ये capacity full हो चुकी है तो हमारे expert हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे. तो mostly students से ये request है कि kindly shift to the YouTube channel. और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ करीब 400 to 500 students YouTube पर जुड़ चुके हैं. तो आप लोग भी सभी बच्चों से request है कि सभी बच्चे इस पर से YouTube channel पर shift हो जाएं. और ये live भी चल रहा है तो वहां से आपको इसको देखने में आसानी होगी. वहां से डिस्कनेक्ट होने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और वहां से भी ये सारी चीजें आपको कोविड से रिलेटेड जो भी जानकारियां जो है वो आपको दी जाएगी. तो डायरेक्ट प्रसारण आपको वहां पर भी दिखाई देगा. तो स्टूडेंट्स प्लीज शिफ्ट कर जाएं और 2 मिनट्स और बचे हैं तो हम लोग बस इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो मोस्टली स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब पर भी शिफ्ट हो जाएं. मेरा 2 मिनट टाइम से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब चैनल पर शिफ्ट कीजिए. बस हम लोग थोड़ी देर में इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं. कोविड को लेकर अवेयरनेस को हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कुछ गाइडलाइंस जो है स्कूल्स के लिए है वो भी आपको बताया जाएगा एक्सपर्ट के जरिए. तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द यूट्यूब पर. स्टूडेंट्स प्लीज शिफ्ट टू द यूट्यूब बिकॉज हमारे जो एक्सपर्ट जो है डॉक्टर रुचि तिवारी मैडम जो एक्सपर्ट है जो कोविड से रिलेटेड वो आप हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही है. तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप लोग यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाएं ताकि उन्हें जुड़ने की जगह मिल जाए इस पर. तो बच्चों आप जस्ट
लीव कर ले यहाँ से कुछ बच्चे और लीव करके यूट्यूब पर आ जाए, क्योंकि 10 मिनट्स हो गए हैं एक्स्ट्रा, तो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट भी करें। तो अब 600 स्टूडेंट जो है यहाँ पर यूट्यूब से जुड़ चुके हैं, तो आप सभी बच्चे जो जूम पर जुड़े हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाए। लेट मी नो वी स्टार्टिंग दिस लेक्चर एज सून एज पॉसिबल। Okay, Dr. Ruchi madam, please unmute your mic. Now you are co-host. Okay, can you Dr. hear me? Dr. Ruchi madam, yes. जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes, आ रही है। थोड़ा सा माइक के वॉइस को और थोड़ा बढ़ा दीजिए। Clear. Okay, तो good morning everybody. Good morning students and teachers and our principal. Today we are starting the lecture. The topic of the lecture is the science behind how to keep safe from COVID. आज हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान जो है, साइंस जो है, हमें क्या बताता है कि साइंस जो है अक्सर किसी भी चीज को वो उसके रूट तक जाता है और उस चीज को पूरे तरीके से साइंटिफिक वे से हमें उस चीज को बताता है कि वो चीजें है क्या और ये चीजें से हमें कैसे निपटना चाहिए। उसी तरीके से ये जो कोविड है, तो ये कोविड जो कोरोना जो है कि 2 सालों से ये पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी फैला है, तो आज हम जानेंगे कि साइंटिफिक टेम्पर क्या है, साइंटिफिक वेव क्या है, कि हम विज्ञान के तरीके से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर जो है ऑर्गेनाइज करवा रही मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन न्यू दिल्ली, और इस लेक्चर में आज जो हमारे डिपार्टमेंट जो है वो शामिल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र मुंबई, BMC बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, और इस लेक्चर को सपोर्ट करे LIC मुंबई एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज हमारे साथ स्कूल जुड़े हुए SIES हाई स्कूल, सत्यम हिंदी हाई स्कूल और चंद्रभागा विद्या मंदिर और कार्मेल ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल। तो सभी स्कूल के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्कूल का नाम चैट बॉक्स में टाइप करें ताकि ये जो स्कूल जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनके लेक्चर हमें अटेंडेंस मिल जाए। तो आज हमारे साथ लेक्चर देने के लिए हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है, हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर रुचि तिवारी मैडम, जो एक रिसर्च साइंटिस्ट है। इन्होंने वायरस को लेकर, बैक्टीरिया को लेकर, बहुत सारे डिजीज को लेकर, चाहे वो एनिमल्स के हो या ह्यूमंस बीइंग को हो, काफी इन्होंने रिसर्च भी किया है और ये एसोसिएट प्रोफेसर भी है अपने डिपार्टमेंट के DVOBS मथुरा से। तो डॉक्टर रुचि तिवारी मैडम, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, चूंकि हम लोग 5 मिनट और लेट हो चुके हैं, तो इसके लिए सभी बच्चों से हमें क्षमा है और इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैडम। ओके, ठीक है, थैंक यू इम्तियाज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आई होप मेरी आवाज आ रही है क्योंकि इस एंड पर आवाज क्लियर है। तो आज तो आज हम जो लेक्चर देने जा रहे हैं वो है ऑन द साइंस बिहाइंड हाउ टू कीप अस सेफ फ्रॉम द कोविड। सो आई होप आई हैव टू कीप इट बाइलिंगुअल और इंग्लिश वुड बी प्रेफर्ड लैंग्वेज। So we shall start this lecture. Today we are going to discuss कि क्या विज्ञान है इस बात के पीछे कि हमें अपने आप को COVID-19 इस महामारी से बचाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये बीमारी फैलती कैसे है, क्योंकि ये रोग माइक्रोब से होता है, इसलिए हमें पता करना ये माइक्रोब और जर्म्स होते क्या। हम कहते हैं आपके हाथ के ऊपर जर्म्स है, आप हैंड वॉश कीजिए। सो व्हाट आर दीज जर्म्स? जर्म्स आर टीनी ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने कहा उनको टीनी क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं ये माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इतने छोटे होते हैं कि वो खुली आंखों से दिखाई ही नहीं देते, हमारी ह्यूमन आई से वी कैन नॉट सी देम, सो वी नीड माइक्रोस्कोप इन ऑर्डर टू सी देम। और जो माइक्रोब्स होते हैं वो सब जगह हो सकते हैं, हवा में हो सकते हैं, सॉइल में, मिट्टी में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं दूषित जल नहीं पीना चाहिए, साफ पानी पीजिए,
साफ खाना खाना चाहिए, प्लांट्स के ऊपर होते हैं इसलिए कहते हैं कि आप जब फ्रूट्स खा रहे हो तो फ्रूट्स को एक बार वाटर से वॉश कर लीजिए प्रॉपरली। एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हो सकता है इसलिए कहते हैं कि अगर आपके घर में कंपेनियन एनिमल्स है और आप उन्हें खिला रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, तो अपने हैंड्स को रूटीनली सैनिटाइज करते रहिए क्योंकि उनके शरीर की सतह के ऊपर ये माइक्रोब्स उपस्थित होते हैं। अब ये माइक्रोब्स होते कौन कौन से हैं, तो ये माइक्रोब्स जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते इनमें कई माइक्रोब्स की कैटेगरी या ग्रुप्स है, जैसे कि जीवाणु या बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि टिटनस फैलाने वाला बैक्टीरिया या टीबी पैदा करने वाला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा फंजाई हो सकता है, प्रोटिस्टा हो सकता है, एल्गी हो सकता है और वायरसेस हो सकता है। तो ये महामारी जो अभी फैली हुई है ये महामारी वायरसेस के द्वारा फैली हुई है। तो कौन कौन से वायरस है और ये वायरस का गुण क्या होता है, तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि वायरस इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये इतना छोटा होता है जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देता, इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लगती है। और ये इतना छोटा है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, इसीलिए हम नॉर्मल कंपाउंड लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करके भी इसे नहीं देख सकते, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है क्योंकि वायरस बहुत छोटा होता है। अगर आप इस पिक्चर में इसकी संरचना देखें तो इस तरह से दिखाई देता है, जिसके अंदर खुद का एक जीनोम होता है, जीनोम को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए एक आउटर प्रोटीन कवरिंग होती है, लेयर होती है, जो कि इसे इन्वायरमेंटल जितने भी डिस्ट्रक्टिव फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सन रेज होती हैं, आप सैनिटाइजर यूज करते हो, उससे प्रोटेक्ट कर सके। और उसके बाद इसकी सतह पर कुछ नॉब लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिनको हम स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ये मदद करते हैं वायरस को होस्ट के शरीर के अंदर कोशिका से जाकर जुड़ने। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है कि वायरस शरीर के अंदर आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट अलोन, वायरस में खुद अपना नंबर बढ़ाने का गुण नहीं होता। बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ा सकता है, फंजाई या जिसे हम कहते हैं फफूंद कवक, वो अपनी संख्या बढ़ा सकता है अगर उसे बाहर न्यूट्रिशन मिल रहा है। आपने देखा होगा वायरस जो होता है वो जब शरीर के अंदर आता है केवल तभी इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं मास्क लगा कर रखिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए। इस वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट को इन्फेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होस्ट को इन्फेक्ट करके इन स्पाइक प्रोटीन्स की मदद से होस्ट के शरीर के अंदर जाकर ही होस्ट की मशीनरी को हाईजैक करता है और उसको इस्तेमाल करके फिर अपना नंबर बढ़ाता है। इस वायरस से कई बीमारियां हो सकती है, हम कहते हैं वायरल डिजीज है। तो वायरल डिजीज अभी जो रिसेंटली फैली COVID-19, इसके अलावा एड्स है, मीजल्स है, स्मॉल पॉक्स है, मम्स है, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरल डिजीज है। तो ये जो भी वायरस शरीर के अंदर आते हैं दे एक्ट एज एंटीजन। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट है क्या। व्हाट इज एंटीजन? एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट टू जेन, जेन मींस बॉडी, ऑलराइट, एंटी मींस अगेंस्ट एंड जेन इज बॉडी। सो एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट टू आवर बॉडी, फॉर एग्जांपल आप स्लाइड में देख सकते हो विदर वायरसेस और बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर का अंग नहीं है, हमारे शरीर का भाग नहीं है, वो हमारे लिए एंटीजन की तरह एक्ट करता है। और एंटीजन वो होता है जो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को पुश करता है कि वो प्रतिरक्षी अणु बनाए। प्रतिरक्षी अणु क्या है? वो है एंटीबॉडी। अर्थात एंटीजन बाहर से आता है जिसके विरुद्ध हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। और एंटीबॉडीज होती क्या है? एंटीबॉडीज है जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिंस कहते हैं, वो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि शरीर के अंदर पाई जाने वाली व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का एक प्रकार जिसे हम बी लिम्फोसाइटिक सेल्स कहते हैं, उन सेल्स के द्वारा शरीर के अंदर ही बनाने के बाद स्त्रावित किए जाते हैं, मींस सीक्रेट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में जैसे ही वायरस शरीर के अंदर आता है ये जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ये जाकर इसके चारों तरफ बाइंड कर लेती है, जुड़ जाती है। तो क्या होगा जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ कंबाइन कर लेगा तो जो वायरस के ऊपर की सतह पे सरफेस प्रोटीन्स हैं ये हमारे शरीर के अंदर कोशिका से जाकर जुड़ नहीं पाएंगे। तो जब ये शरीर की कोशिका से नहीं जुड़ पाएंगे तो कोशिका के अंदर नहीं जा पाएंगे। जब ये कोशिका के अंदर नहीं जा पाएंगे तो हमारे शरीर में अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे और बीमारी होने की संभावना को इस तरह से हम कम करते हैं। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि शरीर में जो एंटीबॉडी का उत्पादन है वो बढ़े। तो इसीलिए आजकल ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन या टीकाकरण जब किया जाए तो जरूर से आप टीकाकरण करवाएं, क्योंकि टीकाकरण या वैक्सीन जब किया जाता है तो वैक्सीन भी एक तरह का एंटीजन है जिसमें हम कमजोर करके वायरस को शरीर के अंदर देते हैं। तो कमजोर करके वायरस या वैक्सीन जब उसे शरीर के अंदर दिया जाता है, शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र उसे पहचानता है और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाता है और हम उस वायरस से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो अभी जो एक महामारी फैली हुई है इसका नाम, इसे हमने कहा कोविड, जो कि कोरोना नाम के एक वायरस से फैलती है जिसने बीमारी के बाद महामारी का रूप ले लिया है और ना केवल भारत देश में, विश्व के बहुत सारे 200 से भी ज्यादा देशों को प्रभावित कर चुकी है। 206 देशों में इसके मरीज देखने में आए हैं। तो ये जो रोग होता है
रोग की शुरुआत में नॉर्मल लोगों को खांसी के सिम्टम्स दिखते हैं, खांसी के लक्षण दिखते हैं, खांसी होती है, लोगों को बुखार आता है, और अगर आप उसे इग्नोर करें, ध्यान ना दें, तो हो सकता है आपके श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करे, आपके लंग्स को ये अफेक्ट करे, इसलिए सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और उस वजह से अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसे हम कोरोना वायरस क्यों कहते हैं, यहाँ आप इसकी संरचना देख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ये एक क्राउन की तरह नजर आते हैं, क्राउन अर्थात मुकुट की तरह। तो ये कोरोना शब्द क्राउन से रिलेटेड है, क्योंकि इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स ऐसा इंडिकेशन देते हैं कि इस वायरस के सर पर एक मुकुट रखा हुआ है, इसलिए हमने इसे फ्रॉम क्राउन इट इज कॉल्ड एज कोरोना वायरस। ये वायरस का एक अपना परिवार है, तो इस परिवार के एक नए कोरोना वायरस है, एक न्यू कोरोना वायरस जो 2019 में आया और जिसका नाम दिया गया, उस वक्त हमने इसे कहा न्यू कोरोना वायरस, पर फिर धीरे धीरे मार्च 2020 में, ये बीमारी दिसंबर 2019 से शुरू हुई और मार्च 2020 में धीरे धीरे फरवरी देन इन मार्च जब ये कहा गया कि इस वायरस का नया नाम जो है वो है SARS-CoV-2, जो इस बीमारी को फैला सकता है। तो SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम प्रोड्यूस करने वाला कोरोना वायरस, और चूंकि सीवियर एक्यूट मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाली भयानक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज प्रोड्यूस करने वाली ये बीमारी कोरोना वायरस से होती है, जो कि पहले भी 2003 में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर चुकी है लोगों में, इसलिए जो अभी वायरस आया अपना रूप थोड़ा सा बदल कर आया, इसलिए हमने अब इसे कहा SARS-CoV-2, क्योंकि SARS पहले ही इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर चुका है। तो ये हुआ कि कौन बीमारी फैलाता है और उस बीमारी का नाम क्या है, तो हमने इसे COVID-19 क्यों कहा, क्योंकि ये बीमारी 2019 में चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुई, और चूंकि ये इन्फेक्शियस बीमारी थी, क्योंकि ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस एजेंट से फैलती है, वायरस इज एन इन्फेक्शियस एजेंट, तो हमने कहा कोरोना वायरस से फैलने वाली इन्फेक्शियस डिजीजेस जो 2019 में स्टार्ट हुई, हेंस वी कॉल इट एज COVID-19। और ये वायरस आया कहां से, ये वायरस कोरोना वायरस कई एनिमल से होता हुआ ह्यूमन बीइंग्स में आया, लेकिन अभी जिस वायरस ने COVID-19 महामारी फैला रखी है, ये वायरस ऐसा कहा गया कि बैट से या चमगादड़ से किसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स में आ गया है, क्योंकि जो कोरोना विषाणु है वो ना केवल मनुष्यों को बल्कि पशुओं को और पक्षियों को भी प्रभावित करता है, और ये निर्भर करता है कि उस विषाणु के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं वो किस होस्ट की कोशिका से, उनकी स्पाइक प्रोटीन्स की संरचना में जो अलग अलग भेद होते हैं या जो अलग अलग डिफरेंस होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर यह निर्धारित किया जाता है कि यह विषाणु मनुष्य को प्रभावित करेगा, पशुओं को प्रभावित करेगा या पक्षियों को प्रभावित करेगा। तो जो अभी फैला हुआ है SARS-CoV-2, ये बैट्स के शरीर में पाया जाता था, और बैट्स के शरीर से इसने ह्यूमन बींग्स में शिफ्ट किया, और उसके बाद इसने ह्यूमन टू ह्यूमन जंप करना सीख लिया। तो यदि हम इस कोरोना वायरस के ओरिजिन की बात करें, तो कोरोना वायरस जो अभी फैला 2019 में, जिसे हमने 2019 नोवेल कोरोना वायरस कहा, जो चाइना से स्टार्ट हुआ 2019 में, इसके पहले भी ये कोरोना वायरस मनुष्यों को अफेक्ट कर रहा था। 2003 में इसने चाइना में सार्स कोरोना वायरस की तरह बीमारी फैलाई, अभी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा था। 2012 में इसने मर्स कोरोना वायरस के नाम से सऊदी अरेबिया में बीमारी फैलाई, वहां भी इसने लोगों के श्वसन तंत्र को ही प्रभावित किया। तो केवल बैट्स नहीं, कैमल्स से भी अर्थात ऊंट से भी, पैंगोलिन से भी, बैट से भी, अलग अलग एनिमल से, रोडेंट से भी, कई बार अलग अलग एनिमल से ये जो विषाणु है मनुष्यों में आया। तो एनिमल्स और मनुष्यों के आपस में क्लोज संपर्क के कारण, आपस में पास रहने के कारण ये विषाणु इन पशुओं से मनुष्य में आया, और जब ये मनुष्य में आया, क्योंकि मनुष्य जब नॉनवेज डाइट लेते हैं, अगर आप उसे प्रॉपरली कुक नहीं करते, अगर आप खाने में सी फूड एज ए प्रोटीन सोर्स लेते हो, अगर आप लाइव एनिमल मार्केट में जाते हैं, बिकॉज दिस डिजीज वॉज स्टार्टेड फ्रॉम वुहान, जहां पर लाइव डेड एनिमल मार्केट था, जहां पर ये सारे एनिमल्स, मोस्ट ऑफ एनिमल्स वेर अवेलेबल टू परचेस, टू बाय फॉर ईटिंग पर्पस, ऑलराइट। सो वहां से जब ये ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है, वायरस श्वसन तंत्र पर अटैक करता है। हर वायरस एक पर्टिकुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, जैसे रेबीज वायरस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसी तरह से ये वायरस जो है श्वसन तंत्र को अफेक्ट करता है। तो ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता हुआ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब नेजल कैविटी थ्रोट से होता हुआ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल से होता हुआ लंग्स तक पहुंच गया। तो जब ये लंग्स में पहुंचा, इसने वहां जाकर निमोनिया प्रोड्यूस किया। निमोनिया प्रोड्यूस करने के बाद, अब जब संक्रमित व्यक्ति बीमार हो गया, तो उसका ख्याल रखने के लिए वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहा, और वो डॉक्टर्स के पास दवाई लेने के लिए गया। पर चूंकि 2019 दिसंबर में किसी को नहीं पता था ये बीमारी किस तरह से फैलती है,
इसलिए जितने लोग उस संक्रमित व्यक्ति के बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए उनमें भी ये बीमारी हुई और वो भी कोरोना विषाणु से संक्रमित हुई। तो जो कोरोना विषाणु होते हैं जैसा कि मैंने कहा ये पशुओं और पक्षियों को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो ह्यूमन बींग्स को प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस के जो स्ट्रेन है वो 7 स्ट्रेन थे। तो इन 7 स्ट्रेन में से अभी हमें पता है कि ये टोटल 8 स्ट्रेन है। कोरोना विरिडी एक फैमिली है जिसके अंदर कोरोना वायरस है। तो इसके अंदर जब हम परिवार को विभाजित करते हैं इसके अंदर अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस और गामा कोरोना वायरस, इस तरह से अलग अलग इस परिवार को विभाजित किया गया। और जिस विषाणु ने अभी यह COVID-19 महामारी फैलाई है ये बीटा कोरोना वायरस ग्रुप को बिलोंग करता है जो कि चमगादड़ों से फैला। तो अभी नॉर्मली ये कहा जाता है कि एक कॉमन जनसंख्या में या पॉपुलेशन में 2% लोग जिनमें कोरोना वायरस जो है वो नॉर्मली भी एज ए कैरियर पाया जाता है और इस पॉपुलेशन में ये कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है ऐसे लोगों में जो थोड़े से कमजोर। अगर हम विश्व स्तर पर बात करें, आप ये दरवाजा उठा दीजिएगा प्लीज, प्लीज दरवाजा उठा दीजिएगा। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो अब इसके 8 स्ट्रेन हैं जो पूरे विश्व में सर्कुलेट हो रहे हैं और इन्होंने विश्व के बहुत सारे देशों को प्रभावित किया जहां बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए और उसके बाद उन्होंने रिकवर भी किया। तो अगर आप इनकी सूची देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इवन इंडिया और अब ब्रिटेन में फिर से ये कोरोना वायरस अपनी संख्या बढ़ा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को इसने संक्रमित किया, कई लोग ठीक हुए पर कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई जिनमें इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सका। और अभी रिसेंटली फिर से साउथ अफ्रीका से रिसेंटली इस वायरस ने अपना रूप थोड़ा सा परिवर्तित किया और अब ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नाम से फिर से अपने पैर पसार रहा है, अपनी संख्या बढ़ा रहा है, लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और अभी रिसेंटली सुनने में आया कि जैसे SARS-CoV-2 वायरस से बहुत सारी डेथ हुई जब सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव आने के बाद अभी 2021 में भी जब अप्रैल में इसने लोगों को प्रभावित किया, उसके बाद अभी जब दिसंबर में नवंबर से स्टार्ट हुआ ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन और अभी दिसंबर में जब भारत में भी इसके कई केसेस मिलने शुरू हो गए, फर्स्ट डेथ ओमिक्रॉन स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन में रिपोर्ट हुई। अर्थात ये वायरस लोगों को अफेक्ट तो कर ही रहा है, तेजी से फैल ही रहा है, परंतु ये मृत्यु का भी कारण बन रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, लोग फिर से पहले की तरह प्रिकॉशंस लेना शुरू करें क्योंकि ये वायरस की संचरण दर जो है वो बहुत तेज है। तो कैसे फैलता है ये वायरस, अगर हम SARS-CoV-2 कहें या ओमिक्रॉन वायरस कहें, ये दोनों ही कोरोना वायरस है और इनके फैलने की जो दर है वो वैसी ही है जैसी SARS-CoV-2 वायरस की थी। मतलब ये वायरस फैलता है स्नीजिंग या कफिंग से, अर्थात छींकने के कारण या खांसने के कारण। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं बाय कमिंग कॉन्टैक्ट इन इन्फेक्टेड पर्सन, यदि आप किसी बीमार व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं या आपके हाथ या शरीर की म्यूकोजा के ऊपर, आंखों पर या आपकी नेजल म्यूकोजा के अंदर, आपके मुंह के अंदर किसी तरह से ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स जो है उनसे आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये जो SARS-CoV-2 वायरस है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन 3 हो सकते हैं। क्या क्या? पहला ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सेकंड इज एयरबॉर्न ट्रांसमिशन एंड थर्ड कैन बी फोमाइट ट्रांसमिशन। सो व्हाट इज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन मींस व्हेनेवर वी टॉक, व्हेन वी कफ और व्हेन वी स्नीज, जब हम खांसते हैं या जब हम छींकते हैं तो क्या होता है, तेजी से हमारे मुंह से कुछ वेपर जैसी ड्रॉप्स बाहर आती हैं, दे आर कॉल्ड एज ड्रॉपलेट्स व्हिच कंटेन्स वायरस। तो वो ड्रॉपलेट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, छोटा है या बड़ा, आगे जाती है। उसके अलावा मान लीजिए अगर आप एक ही बंद कमरे में, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आपका रूम बंद है, वहां पर एसी चल रहा है, या आप किसी मूवी हॉल में, थिएटर में जहां टीवी चल रहा है या जहां मूवी चल रही है और एसी ऑन है, तो वहां क्या होता है, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति वहां पर छींकेगा या खांसेगा और उसने मास्क नहीं लगाया हुआ तो वो सारी ड्रॉपलेट्स एयर में आएंगी। एयर में आने के बाद चूंकि रूम में वेंटिलेशन नहीं है, कहीं भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, हवा अंदर सर्कुलेट कर रही है, तो उस वजह से अब ये ट्रांसमिशन विल बिकम एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। मतलब उस हवा के संपर्क में जितने लोग आएंगे उनमें वो विषाणु फैल सकता है। इसके अलावा थर्ड मोड इज फोमाइट्स। What are fomites? Fomites are inanimate objects which can transfer the infection. And when we say inanimate objects means which are not living. तो जब हमने कहा not living means दस्तानों से, ग्लव्स से, मास्क से, स्टील की प्लेट से या डस्ट से या फिर डस्ट के अलावा अगर आपने कोई चीज बीमार हो तो आप जहां भी टच कर रहे हो, बेंच के ऊपर, डोर्स के ऊपर, विंडोज से, तो जो inanimate चीजें हैं जो लिविंग नहीं है जब उनके थ्रू इन्फेक्शन फैलता है then we call them as fomites. And you, as you can see in this picture, see
डिपेंडिंग अपॉन साइज, जितना भी आप यहाँ पर ड्रॉपलेट का डायमीटर देख रहे हैं, तो जितना बड़ा है वो उतना पेशेंट के पास रहेगा, और जितना छोटा साइज का है वो उतना दूर ट्रेवल करके दूसरे पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्नीजिंग या छींकने के कारण इस बीमारी के फैलने की दर सबसे ज्यादा है, यदि हम तुलना करें खांसने और बात करने से। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति से बिल्कुल पास में बातें करेंगे और दोनों लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो इन्फेक्शन लेने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, उसकी संभावना सबसे अधिक है। उसके अलावा SARS-CoV-2 जो विषाणु होता है, हम कहते हैं कि आप अपने हैंड सैनिटाइज करते रहिए। इसके अलावा यदि ये हवा में आ गया तो आप देखो 3 घंटे तक ये हवा में खुद को मेंटेन रख सकता है, मतलब आप जरूर से मास्क लगाएं और किसी भी ऐसी क्लोज जगह पे ना जाएं, क्योंकि किसी क्लोज या बंद जगह में जाने के कारण इस बात की संभावना ज्यादा है कि आप वो विषाणु आपके नाक या मुंह से हमारे गले तक पहुंच सकता है। अगर आप प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील के बर्तन सेम इस्तेमाल करते हैं जो कोई रोगी इस्तेमाल कर रहा है COVID-19 का, तो उस सरफेस के ऊपर देखिए 72 आवर्स मीन्स 3 दिन तक विषाणु रह सकता है। इसी तरह से कॉपर सरफेस के ऊपर 4 घंटे तक, या किसी कार्डबोर्ड के ऊपर ऑलमोस्ट 1 दिन 24 आवर्स तक ये विषाणु रह सकता है। इसी तरह हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होते हैं, पेशेंट का बेड होता है, अगर आपने उनको ऑक्सीजन लगाया तो ऑक्सीजन लगाने के लिए आप मास्क यूज करते हो, ट्यूब्स यूज करते हैं, सिलेंडर यूज करते हैं, तो सेम पेशेंट जब सांस ले रहा है, अगर ये सारी चीजें प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं हुई और उस पेशेंट को आपने डिस्चार्ज किया या उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पेशेंट सेम जगह पर एडमिट किया विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन, तो क्या होगा, पहले वाले पेशेंट की वजह से बाद वाले पेशेंट में वो इन्फेक्शन लग सकता है, जिसे हम कहते हैं नोसोकोमियल ट्रांसमिशन। नोसोकोमियल ट्रांसमिशन का मतलब होता है बीमारी के फैलने का वो तरीका जो हॉस्पिटल या क्लिनिक से लगता है। That means nosocomial infections are hospital acquired infections or clinical which are acquired from the clinics, we can say. All right? So healthcare professional, इसलिए कई बार ये न्यूज़ सुनने में आई कि कई डॉक्टर्स बीमारी का इलाज करते करते संक्रमित हो गए, तो उनमें nosocomial infection होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ उनमें से कुछ लोगों में लक्षण दिखाई दिए, कुछ लोगों में लक्षण 3 या 4 दिखाई दिए, और कुछ लोगों में बिल्कुल भी लक्षण नहीं दिखाई दिए, तो उस बेसिस पर उस आधार पर यह कहा गया कि इसका ट्रांसमिशन कैन अगेन अकर बाय सिम्टोमैटिक मोड, बाय प्री सिम्टोमैटिक मोड और बाय एसिम्टोमैटिक पर्सन्स, क्योंकि हर किसी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो अलग अलग होती है। इसलिए हो सकता है कुछ को बुखार आए, हो सकता है कुछ को सीधे सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाए। तो कोरोना वायरस शरीर के अंदर पहुंचने के बाद अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है, इसलिए इसके फैलने के तरीके भी अलग अलग हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी है आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ तो उसके बाद उस व्यक्ति के स्टूल या फीसेस या यूरिन में भी वो वायरस एक्सक्रीट आउट हुआ, इसीलिए जो वायरस है डिटेक्ट किया गया स्टूल्स में भी, उसके सीवेज में भी, उसके अलावा सिक्रीशंस में भी वायरस रह सकता है, लेकिन जो बॉडी सिक्रीशंस होते हैं, पर अभी तक वर्टिकल ट्रांसमिशन इस वायरस का नहीं देखने में आया, अर्थात ये विषाणु जो है होने वाले बच्चे को उसकी मदर से ट्रांसमिट नहीं होता। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है, ये विषाणु अभी तक इसके वर्टिकल ट्रांसमिट होने की कोई भी न्यूज नहीं आई है। उसके अलावा जो हमारे साथ पशु रहते हैं, क्या उनसे हमें यह संक्रमण हो सकता है, तो जो SARS-CoV-2 विषाणु है, अब जब ये मनुष्यों के बीच में फैल रहा है तो ये पशुओं से मनुष्यों में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे पशु जो मनुष्यों के बिल्कुल साथ में रह रहे हैं, जैसे जो जू में एनिमल हैंडलर्स होते हैं या हमारे कंपेनियन एनिमल जो घर में रह रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ रहने के कारण चूंकि ये विषाणु सांस से फैलता है, और अगर आप मास्क नहीं लगा कर रखोगे तो आपका जो एनिमल है उसके शरीर में भी सांस के थ्रू विषाणु अंदर जाता है, जिसके कारण जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो वो भी COVID-19 पॉजिटिव आते हैं, लेकिन उनमें COVID-19 जैसे संक्रमण दिखाई नहीं देते। इस वजह से अब कई देशों में पशुओं को भी बचाने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, क्योंकि कई कैट्स में, फेरेट्स में, इन सब में ये सारे लक्षण दिखाई देने शुरू हुए कुछ कुछ इस COVID-19 महामारी के। तो इस वजह से भी इनके अलावा कुछ टाइग्रस में जो चिड़ियाघर में थी, डियर में इनका इन्फेक्शन देखने में आया। इसलिए ये कहा गया कि ये बीमारी जो है क्या पेट्स से भी फैल सकती है, नहीं, ये बीमारी अभी तक फिलहाल इस वायरस ने पशुओं से मनुष्यों में फैलना नहीं सीखा। तो ये बीमारी मनुष्यों में हो सकती है, यदि मनुष्य में होगी तो क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इम्यून स्टेटस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन दे कैन कुछ को बुखार आ सकता है,
में तकलीफ थी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। कई को बदन दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, कई लोग स्मेल और टेस्ट होती है वो कुछ समय के लिए 10 से 12 दिन के लिए जा सकती है या लॉस्ट हो सकती है। तो यदि इस तरह के लक्षण आपके आसपास किसी को भी दिखाई दे तो आप तुरंत उनसे ये अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें कि डेफिनेटली उनको जाकर अपना टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। अब इट इज नॉट ऑलवेज COVID-19 एक्चुअली, जब किसी को COVID-19 हुआ हो सकता है उसे सीजनल कोल्ड भी हो, क्योंकि आजकल ठंड शुरू हो गई है कहीं कहीं पर। अगर आपने प्रॉपर गर्म कपड़े नहीं पहने, शरीर को गर्म नहीं रखा, अपने खाने पीने नाक बहनी बुखार आया तो आपको अभी रिसेंटली न्यूज में आया, अगर आपने सुना हो अभी अभी बहुत सारे लोगों में इस ओमिक्रॉन का संक्रमण हो रहा है, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ यस मैडम, आवाज आ रही है। आपकी पीपीटी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, दोबारा शेयर कर लीजिए। पीपीटी नहीं शेयर हो रहा है। ओके ओके ओके, अभी अभी खत्म, अभी आपका पीपीटी बंद हुआ थोड़ा नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा। ओके स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों ने अभी स्कूल का नाम नहीं लिखा है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्कूल का नाम जरूर लिख दीजिए यहाँ पर। अगर कैन यू सी द पीपीटी? यस यस प्लीज प्लीज कंटिन्यू मैडम। ओके सो विल कंटिन्यू इट। व्हाट आई वाज टेलिंग कि हो सकता है कोविड हमारी सीजनल फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, क्योंकि जो इनके सिम्टम्स है उनमें थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन यदि किसी को खांसते वक्त कफ नहीं निकल रहा है, बलगम नहीं निकल रहा, उसको सूखी खांसी है, मतलब आप बात कर रहे हो पर आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको सडनली खांसी आनी स्टार्ट हो क्योंकि आपके गले में कहीं पर कुछ हिंड्रेंस है, तो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ COVID-19। तो यदि आपको सूखी खांसी है और आपको बुखार है तो डेफिनेटली आप स्वयं या अपने आसपास वाले लोगों को बोलिए वो इसकी जांच कराएं, ठीक है। क्योंकि पहले ये कहा गया कि केवल बूढ़े या बुजुर्ग लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क है, बट अब हमें पता है कि तो ऐसे लोग जिनमें अस्थमा या हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज है और उनकी दवाइयां चल रही हैं, ऐसे लोग जिनमें रिसेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड ट्रांसप्लांट या टिश्यू ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, तो उनको दवाइयां दी जाती हैं ताकि इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सुप्तावस्था में रहे, थोड़ा सा कमजोर रहे, शरीर रिएक्ट नहीं करे उन चीजों को, तो उनमें इस बीमारी से ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। साथ ही ऐसे लोग जो इस तरह की ड्यूटीज में इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस जो जांच में इन्वॉल्व हैं, डायग्नोस्टिक टेक्नीशियंस जो हमारा सैंपल लेते हैं नाक से गले से, जो लैब में टेस्ट करते हैं उस सैंपल को, इन सारे लोगों में, या ऐसे लोग जो साफ सफाई में इन्वॉल्व हैं, जो सैनिटाइज करने के लिए हॉस्पिटल सैनिटाइज कर रहे हैं, क्लिनिक सैनिटाइज कर रहे हैं, घरों को सैनिटाइज करने के लिए आ रहे हैं, शॉप्स को, मॉल्स को, तो चूंकि वो सारे लोग एक्सपोज हैं इसीलिए उन सब में ये इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। बच्चे भी COVID-19 पॉजिटिव आ रहे हैं, उनमें संक्रमण की तीव्रता है थोड़ी कम है, इसीलिए अब ये बात चल रही थी कि बच्चों पर टीकाकरण शुरू किया जाएगा, पर अभी उसे हॉल्ट में रख दिया गया, क्योंकि जो बड़े हैं जो बाहर निकल रहे हैं, बच्चों की जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो उसके बाद बच्चे घर पर थे, चूंकि बड़े लोग बाहर है इसीलिए अब बात चल रही है कि हो सकता है 2 डोज के बाद तीसरी डोज का भी रिकमेंडेशन दिया गया है कि बड़ों को तीसरी डोज भी लगाई जानी चाहिए और उसके बाद हो सकता है फिर बच्चों में वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाए। तो संक्रमित व्यक्ति से इस COVID-19 फैलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उस व्यक्ति को कम से कम किसी एक व्यक्ति के संपर्क में आना है। यदि वो किसी से मिलेगा नहीं तो ये बीमारी फैल नहीं सकती, क्योंकि जब एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों के संपर्क में आए तो ये व्यक्ति जितने व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे उनमें इन्फेक्शन फैलाएंगे। इसीलिए ये कहा गया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, अर्थात जो लोग बाहर से आए हैं उनको अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आप किनसे किनसे मिले हो लास्ट कुछ दिनों में, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उन लोगों की टेस्टिंग की जा सके और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो टेस्टिंग के लिए नाक से और गले से दोनों से स्वैब सैंपल लेकर रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट किया जाता है ताकि COVID-19 की जांच हो सके। यदि वे पॉजिटिव आते हैं तो उनके लक्षणों के आधार पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उन्हें सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है, क्योंकि इस बीमारी का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और इस वजह से चूंकि ये बीमारी चाइना के बाद विश्व के बहुत सारे देशों में फैली, इसलिए ग्लोबल एजेंसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि COVID-19
has taken the form of pandemic now. It is not just a disease, but this disease has spreaded pandemically. मतलब विश्व के बहुत सारे देशों में फैल चुकी है. ना केवल फैल चुकी है, लोगों में सांस की बीमारी फैला रही है, बल्कि लोगों में डेथ भी प्रोड्यूस कर रही है. You can see here in India itself, initially 176-year-old man, while 68-year-old woman, they both died as a first case in India with this disease. So, jab death bhi honi start ho gayi, there was comprehensive preventive health and control strategy which was framed. Aur is strategy kya hua? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कई सारे हेल्थ वर्कर्स घर जा जाकर डोर स्टेप पर सर्वेलेंस करना उन्होंने शुरू किया कि क्या आपको बुखार के लक्षण हैं, क्या आप लास्ट 14 दिनों में विदेश से होकर आए हैं, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके. यदि आप बीमार हो तो आपको आइसोलेट या क्वारंटाइन किया जा सके, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये बीमारी दूसरों में ना फैलाएं, आप किसी दूसरे व्यक्ति से ना मिले. साथ ही आप जो भी वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने की, पहनने की, कपड़े, आप मास्क लगा रहे हो, वो प्रॉपरली सैनिटाइज किए जाए, ताकि उनके बायोमेडिकल जो भी वेस्ट है उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जा सके. यदि अनफॉर्चुनेटली टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण किसी संक्रमित व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उनकी डेड बॉडीज का भी प्रॉपर हैंडलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. साथ ही लोग और परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इसीलिए उनकी मेंटल काउंसलिंग करना, ताकि उन्हें स्ट्रेस ना हो और अफवाहें ना फैल सके, सही जानकारी देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपको इस बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई दे, खांसी या बुखार या सांस लेने में तकलीफ, तो आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी है. साथ ही यदि आप खाने में एज ए प्रोटीन सोर्स नॉनवेज डाइट लेते हैं, तो आपको अंडर कुक या रॉ मीट नहीं लेना है, उसे प्रॉपरली पका कर इस्तेमाल करना है. आपको कम से कम 20 सेकंड तक अपने हैंड को सैनिटाइजर से वॉश करना है या सोप से वॉश करना है. साथ ही यदि आपको किसी दूसरे व्यक्ति से बात करनी है, तो आप कोशिश करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसके बहुत पास ना जाएं. यदि आप बाहर से घूम कर आए हैं, तो अपनी जर्नी की हिस्ट्री के बारे में जानकारी अपने नियर बाई सेंटर्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, एयरपोर्ट पे जरूर दें. साथ ही आप मास्क का इस्तेमाल करें, तथा मास्क का इस्तेमाल सही तरीके से करें, अर्थात आप अपना नाक और मुंह दोनों मास्क से कवर करके रखें. मतलब हमें हैंड हाइजीन के साथ साथ रेस्पिरेटरी हाइजीन का भी ख्याल रखना है. हैंड भी वॉश करना है, मास्क भी लगा कर रखना है. साथ ही हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, ताकि जो हाई रिस्क ग्रुप है उन लोगों में भी ये बीमारी फैलने से रोकी जा सके. ना केवल बीमारी को फैलने से रोकना है, हमें हेल्दी सप्लीमेंट्स डाइट में इंक्लूड करके जो मिनरल्स और विटामिन्स में रिच है, खुद को स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव रहे. इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे फ्रूट्स जो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, जिंक, इन सारी चीजों में रिच है, जैसे कि जिंजर, गार्लिक, ये सब कहा गया, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करें. यदि आप इस बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर प्रोवाइड किया है, जहां से आप अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं. गूगल प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड फोन पर या WSOS फोन पर डिजिटल एप्स अवेलेबल हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हो. और बहुत फेमस ऐप है, आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट एप्स के बारे में. बहुत ही फेमस ऐप है एक आरोग्य सेतु ऐप, which helps in making database actually, क्योंकि ये क्या करता है, सारी लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और फिर उसके बाद आप इसके थ्रू ये एसेस कर सकते हो कि आपके पास 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के एरिया में आसपास क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस रोग से संक्रमित है, ताकि आप बाहर जाना स्वयं अवॉइड कर सके. ठीक है, यदि आप बाहर जाते भी हैं, तो आपको प्रॉपर प्रिवेंटिव मीजर्स, जैसे कि अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट, लोगों के संपर्क में नहीं आना, फ्रीक्वेंटली आपको हैंड वॉश करना है, जहां तक जरूरत हो फॉर्म एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, आपको रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का पालन करना है, मतलब आप जब भी खांसते हो आपको अपना फेस कवर करके रखना है, साथ ही इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने वाली सारी स्ट्रैटेजीज का पालन करना है. जब आप हैंड वॉश करते हैं सैनिटाइजर यूज करके, हैंड वॉश करने के लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है, व्हिच इज कॉल्ड एज सुमन के, जिसे हमने कहा सीधा. आप जब हाथ में सैनिटाइजर लोगे, तो आपको ये 6 स्टेप फॉलो करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. मतलब आपको हाथ कैसे धोना है, सीधा, फिर उल्टा, फिर मुट्ठी बनाकर, फिर अंगूठे पर, फिर नाखून पर, फिर कलाई पे. तो मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ. जब आप सुमन के फॉर्मूला फॉलो करके अपना हैंड वॉश करते हैं, सो हाउ यू हैव टू डू एक्चुअली, सी, आपको सीधा सैनिटाइजर लिया, उसके बाद सीधा, उसके बाद यू
उल्टा किया, उसके बाद फिर आपने मुट्ठी बनाई, मुट्ठी बनाकर आपने इस तरह से क्लीन किया, सैनिटाइजर लगाया, उसके बाद आपने अंगूठे को क्लीन किया, उसके बाद आपस में नेल्स रगड़े और उसके बाद फिर कलाई। तो इस तरह से क्या हुआ, आपके हाथ का आगे पीछे नेल्स यहां तक का सारा पोर्शन जो है वो सैनिटाइज हो जाता है। तो दैट इज द करेक्ट वे ऑफ सैनिटाइजिंग योर हैंड्स। ऑलराइट, मींस फर्स्ट स्टेप में आप सैनिटाइजर को हाथ में लीजिए, चाहे तो हाथ से प्रेस करके या फुट पैडल की हेल्प से, और उसके बाद बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ द सुमन के एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स तक अपने हैंड में सैनिटाइजर को रब कीजिए और उसे क्लीन कीजिए। ऑलराइट, बिकॉज वी नो दैट दीज डेज फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व हैं, जो डॉक्टर्स हैं जिनकी ड्यूटीज लग रही है इन सारी टेस्टिंग में, ट्रीटमेंट में, साथ ही उनके सेफ्टी को फॉलो करने के साथ साथ हमें पर्सनल सेफ्टी भी मेंटेन करके रखनी है। मतलब जहां तक पॉसिबल हो एटलीस्ट ग्लव्स और मास्क डेफिनेटली लगा कर रखने हैं, और जहां जरूरत हो वहां आपको पीपीई भी पहन कर रखनी है, आपको, आपके टीचर्स को या डॉक्टर्स को, डेफिनेटली जो भी टेस्टिंग में इन्वॉल्व है या पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। पीपीई क्या होता है, उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें कि हेड कवर भी है, मास्क भी है, मास्क के अलावा ग्लव्स भी है, फुट कवर भी है, ये सारी चीजें आती हैं, फेस शील्ड भी आती है। आपने देखा होगा अगर शॉप्स में कुछ लोग शील्ड लगाकर रखते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ पीपी, ताकि वायरस किसी भी तरह से हमारी नाक और मुंह और आंख के संपर्क में ना आ पाए। ठीक है, साथ ही जो स्टिग्मा या गलत अफवाहें फैल रही है, आपको सही जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोगों को बता सके कि आपको इस बीमारी से डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है ना, तो हमने क्या क्या सीखा इस बीमारी से, कि आजकल नई एजेंसीज जो है वो दवाइयां या वैक्सीन्स निकाल रही है, डेवलप कर रही है, तो आपको वैक्सीन्स लगवाना चाहिए। साथ ही अगर जरूरत नहीं हो तो आपको अननेसेसरली बाहर नहीं घूमना है, मतलब आपको माइग्रेंट मूवमेंट अवॉइड करना है, आपको मास्क लगा कर रखना है, जैसे इन बच्चों ने और इन बड़े सभी ने लगा रखा है। साथ ही गवर्नमेंट एड्स प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट कंपनीज को, ताकि नए नए वैक्सीन्स भी बनाए जा सके, इंजेक्शन की बजाय ड्रॉप्स की तरह देने वाले वैक्सीन्स। तो डिफरेंट कंपनीज को भी आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, साथ ही लोगों के साथ आपको क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। अब स्कूल्स बच्चों के खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, पर बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो जो स्कूल्स आने वाले टीचर्स हैं या स्टाफ है और जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इश्यू की है, और उन सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमें उन बच्चों को स्कूल्स में बुलाना है, क्योंकि बच्चों को वापस भी जाना है। सो व्हाट आर दीस गाइडलाइंस डिफरेंट लेवल्स पे, मतलब जिन क्लासरूम्स में आप बच्चों को बिठा रहे हो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, वहां हवा का मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए ताकि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ना हो सके। जो क्लासरूम के डोर्स और विंडोज हैं, दरवाजे और खिड़कियां हैं, वो प्रॉपरली फ्री होने चाहिए और अच्छे से क्लीन होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं जिस जगह पर, वहां उन्हें हम कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनकर रखना है उन्हें, और फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते रहना। साथ ही स्कूल्स का टाई अप होना चाहिए हेल्थ एजेंसीज के साथ, ताकि स्कूल में यदि किसी को भी कोरोना या COVID-19 बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उनका सैंपल कलेक्ट जांच के लिए भेजा जा सके। साथ ही जो स्कूल में सपोर्टिंग स्टाफ है, जो मेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो लाइब्रेरी में है, जो बस का ड्राइवर है, उन सब की प्रॉपर ट्रीटमेंट, उन सबका प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए, ताकि उन्हें COVID-19 ट्रांसमिशन के बेसिक नियमों के बारे में जानकारी हो। कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो स्कूल्स खरीदे या फिर स्कूल्स में किस तरह से उन्हें बनाया जा सके, इस चीज की भी जानकारी स्कूल में स्टाफ को दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ स्कूल्स में जो खिड़की, दरवाजे, बेंचेस हैं, उन सबको स्कूल शुरू होने से पहले और स्कूल शुरू होने के बाद प्रॉपर डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। अब चूंकि स्कूल्स में अटेंडेंस भी 75% से ऊपर होनी चाहिए, इसीलिए कई जगह ये कोशिश की गई है कि ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन अटेंडेंस का भी मैंडेट जो है वो फॉलो किया जा रहा है, ताकि कई जगह ऐसा है कि 50-50% बच्चों को एक दिन बुला रहे हैं, फिर अल्टरनेट डेज पर बुलाया जा रहा है। और जितना कोशिश हो, क्योंकि अब फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, हमें जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं या जो चीजें वर्चुअली पॉसिबल हो सके उनको फॉलो करना चाहिए। साथ ही हमें इस SMS नियम का पालन करना चाहिए, SMS नियम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंतर्गत आता है, मतलब आपको सैनिटाइजर यूज करना है, आपको मास्क पहनकर रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। सो यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ दिस SMS एंड कफ एटिकेट्स ऑल्सो। कफ एटिकेट्स मतलब अगर आपको खांसी आ रही है तो आप मास्क लगाएं, आप हैंड कर्चीफ रुमाल इस्तेमाल करें, और अगर दोनों नहीं है तो अपना हाथ इस तरह से लगाएं ताकि एटलीस्ट ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आने पाए। तो इनका पालन करते हुए भी हम बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के साथ साथ स्टाफ की ट्रेनिंग होनी जरूरी है। जब स्कूल्स खुल गए तो एश्योर करना जरूरी है कि सारे टीचर्स और स्टाफ को वैक्सीनेशन लगा हुआ हो। यदि उनमें कभी अचानक से कोई सिम्टम्स या लक्षण दिखाई दे तो वो सेल्फ डिक्लेयर करें ताकि उनकी जांच की जा सके,
और उन्हें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि चूंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है इसलिए उनसे ये बीमारी बच्चों में ना फैले, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और ये लेक्चर हम इसलिए क्यों शेयर कर रहे हैं आपस में, ताकि आप स्कूल जा रहे हो आपको ये जानकारी हो, अगर आपके साथ वाला कोई इन बातों का पालन नहीं कर रहा तो आप उन्हें ये बता सके कि आपको इन चीजों का पालन करना है, ठीक है ना। साथ ही वैक्सीनेशन को फॉलो करना है, कई बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके हॉस्टल्स के रूम प्रॉपरली सैनिटाइज होने चाहिए, वैसे बच्चे जो घर जाते हैं वापस स्कूल से आने उनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। एज इट वॉज सेड बाय अ फेमस क्रिकेट कोहली दैट यस ऑफ कोर्स कोविड-19 महामारी फिर से फैल रही है, सो वी नीड टू लेट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हैव टू फाइट विद दिस कोविड-19 आउटब्रेक। हाउ? By taking all the precautionary measures. तो इसलिए हमें इससे बचने की आवश्यकता है, ठीक है। और इसीलिए हम आज का ये लेक्चर that what is the science behind this COVID-19 discuss कर रहे हैं। And for this I would like to thank this approach, this initiative by Millennium India Education Foundation, जिन्होंने कोशिश की कि बच्चे, क्योंकि बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, बच्चों को जब हम कोई बात बताते हैं वो बड़ों के साथ शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके बीच रहे, वो लोगों को बता सके और COVID-19 महामारी से बच सके। Okay, so this was all about the lecture. Thank you. Okay, thank you, Dr. Roshi, madam. And thanks to all students. I tried to cover it in time today. Okay. थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, SIS हाई स्कूल, सत्यम हिंदी स्कूल, चंद्रभियान विद्या मंदिर स्कूल एंड कार्मेल ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल। तो मैडम, बच्चों का ये अक्सर यही क्वेश्चन रहता है कि हम स्कूल में कौन सा मास्क लगा कर जाएं। हाँ बिल्कुल, आप सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करते हो और आप N95 मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही। मैं आपको दिखाती हूँ सर्जिकल मास्क जो नॉर्मली ब्लू कलर के लोगों ने सिंपल मास्क लगा रखे थे दो तीन लेयर के थ्रू। इफ यू कैन सी मी यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर सी कि जो मास्क मैंने अभी लगाया हुआ है दिस इज N95 मास्क जिसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जो वायरसेस हैं वो माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, तो वायरस जो है नैनोमीटर की रेंज में होते हैं, तो इसीलिए आपको N95 मास्क हमने कहा जो कि छोटे से छोटे विषाणु को भी खुद को रोक सकता है। तो आपको N95 मास्क लगाकर बाहर जाना है। जब आप बाहर से घर आए आपको उस मास्क को बीच में कहीं टच नहीं करना है, अगर आपको, क्योंकि हो सकता है सब जगह वायरस बाहर संक्रमित व्यक्ति हो, संक्रमण उसका ये जो मास्क है ट्रैप कर ले, आप इससे टच ना करें। जब निकालना है तो आप इसकी स्ट्रिंग्स यूज करके डायरेक्टली कान से यहां से इसको आप निकालेंगे, इस तरह से आपने डायरेक्टली निकाला, निकालने के बाद इसको डिस्कार्ड किया, मतलब ये किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए, तो यू हैव टू डिस्कार्ड इट घर पहुंचने के बाद प्रॉपरली। सो N95 मास्क का आपको इस्तेमाल फिर से शुरू कर देना चाहिए, और अगर आप पहले से कर रहे हैं दिस इज वेल एंड गुड। ओके थैंक यू मैडम। तो आज यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, तो अभी न्यू वेरिएंट जो आ गया है तो उन्हें अभी इस वेरिएंट से बचने के लिए कुछ क्या उपाय करने चाहिए? इससे बचने के उपाय न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन इन्फेक्शन फ्रॉम ओमिक्रॉन। ओके, सो इन ओमिक्रॉन या कोविड-19 महामारी या SARS-CoV-2, ये तीनों ही जो स्ट्रेन है ये कोरोना वायरस ही है, आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इनसे बचने के उपाय भी सेम है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेन हो, ये SARS-CoV-2 हो या ये ओमिक्रॉन का स्ट्रेन हो, या हो सकता है अभी बीच में डेल्टा और डेल्टा प्लस हम सुन रहे थे कुछ महीनों पहले, और हो सकता है 3-4 या 6 महीने बाद फिर से एक नया स्ट्रेन आ सकता है जैसा अभी हमने कहा ओमिक्रॉन। तो ये जितने भी कोरोना वायरस के वेरिएंट हैं, चूंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट करते हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए हमें प्रॉपरली मास्क लगा कर रखना है। जब कभी भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो तो आपको वैक्सीनेशन फॉलो करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सेम प्रिकॉशंस जो कोविड-19 महामारी से बचने के लिए, दे आर सेम फॉर द ओमिक्रॉन स्ट्रेन आल्सो। आई होप आई एम ओके। थैंक यू मैडम। यस 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 मैम, यू कैन लीव बिकॉज यू हैव द वर्क। तो सम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्टेड, थैंक्स यू डॉक्टर रुचि तिवारी मैडम। जो बच्चे बाद में जुड़े, मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी एक्सपर्ट डॉक्टर रुचि तिवारी मैडम, जो मथुरा से जुड़ी हुई थी, और अभी अपने वर्क स्टेशन से ही आप सभी बच्चों को कोविड से रिलेटेड जानकारियां वगैरह दे रही थी। तो थैंक्स टू डॉक्टर रुचि मैडम एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर एंड प्रिंसिपल। अगर आप सभी स्टूडेंट्स का भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आप सभी को जवाब दे देता हूँ। ओके मैडम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, माय नेम इज माना। थैंक यू सर। हाँ बोलिए बेटा। सर अभी जो 95 मास्क का जो बना ना, एक बार पहन के थैंक यू मैम, ग्रेट लेक्चर। डस्टबिन में
देख सकते हैं कि वो रीयूज करना होगा कि वो करना होगा मैम। सर जो हम लोग अभी मार्क्स लेके जाने वाले तीन वाला वो यस मैडम, आपका जैसे क्वेश्चन था कि क्या मास्क को हम लोग रीयूज कर सकते हैं या थ्रो आउट कर सकते हैं, तो जो सर्जिकल मास्क होता है वो काफी मतलब कि उतना मजबूत नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, उसके जो लेयर्स जो होते हैं, उसके जो कपड़े होते हैं क्लॉथ, वो उतने ठीक नहीं होते है। तो आप एक दो बार यूज करो, यूज करने के बाद उसे थ्रो आउट डस्टबिन में, किसी डस्टबिन में फेंके, इधर उधर ना फेंके। लेकिन जो आपका अगर कॉटन मास्क है तो उसे आप जिस तरीके से कपड़े धोते हैं उसी तरीके से सर्फ साबुन से सोप से आप उस मास्क को धोइए, फिर प्रॉपर उसको सुखाइए, सुखाने के बाद फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। N95 मास्क को भी चाहे तो आप उसे धोकर यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसको ज्यादा बार बार धोगे उसके जो लेयर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बेटर यही होता है कि जो कॉटन मास्क होते हैं उसी को ही आप धो सकते हो और रीयूज कर सकते हो, लेकिन जो सर्जिकल मास्क है और N90 मास्क है उसको आप ज्यादा बार बार यूज रीयूज ना करें। तो और भी स्टूडेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। स्कूल से ये आपके गाइडलाइंस वगैरह अगर अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट दोबारा से फिर से अगर सर्कुलर निकालता है तो उसके बाद से ये स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे 8 से नीचे क्लास के बच्चों के लिए, अदरवाइज 8 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले हुए हैं। तो जैसे ही और केसेस कम होना शुरू होंगे तो फिर इस पर विचार किया जाएगा, फिर उसके बाद से स्कूल खोलने की क्वायद शुरू की जाएगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मास्क लगाएं, घर से जब भी बाहर जाएं तो आप मास्क लगा के रहें, स्कूल में रहे तो मास्क लगा के रखें। आपका स्कूल बहुत दिनों से बंद था और आप कहीं खेलने कूदने भी नहीं जा रहे थे, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग करके अपने हाथों को अक्सर सैनिटाइज करते रहें और स्कूल जरूर जाएं, क्योंकि स्कूल जाएंगे आप खेलेंगे कूदेंगे अपने सहपाठियों से अपने दोस्तों से मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा, आपको थोड़ा मन लगेगा खेलने कूदने में भी और साथ साथ पढ़ाई करने में भी। तो आप स्कूल जरूर जाएं और ये तीन चीजों को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को, सैनिटाइज योर हैंड को और मास्क को, और ये तीनों चीजों को फॉलो करते हुए आप स्कूल जरूर जाएं और अपने पढ़ाई में मन लगाएं और खेल कूदें साथ में भी। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह घर के जो भी लोग घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें आप हाथ पकड़ के उन्हें बहुत प्यार से समझाएं कि प्लीज पापा मम्मी चाचा चाची दादा अब हम